मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अपने घर में से खुश होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घनघोर बादल गरजने को लेके। तो मैं भी छत में आ गई हूँ, काम सारे हो गए। मैंने कहा यहीं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेते हैं। और बादल कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, चारों तरफ देखिए कोहरा लगा हुआ है, ऊपर उधर पहाड़ों में बारिश हो रही है और पूरे काले बादल हो रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की, मतलब बादलों की किस तरीके से गरज रहे हैं। तो पहाड़ों में हो रहा है कुछ ऐसा मौसम। और कई दिन हो गए बारिश भी नहीं हुई थी, तो अब आज तो पॉसिबल है कि हो ही जाएगी। मैंने गमले भी, जो छोटे छोटे गमले ना, वो गेट के पास रख दिए कि ताकि बारिश आए तो बारिश के पानी से वो अच्छे से जो है नहा ले। दक्ष रेडी हो गया, नाश्ता कर रहा है, नीचे अपने रूम में है। बस मैं भी नीचे जाती हूँ, फिर उसको बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाती हूँ। आज मैंने सोचा था नहीं जाऊँगी करके, बट मौसम ऐसा हो रहा है, मैंने कहा कहीं बारिश ना हो जाए तो बच्चा वहाँ पर अटक जाएगा, इससे अच्छा साथ में ही चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लंच आज से ले जाना नहीं है क्योंकि आज से जल्दी छुट्टी हो जाएगी दक्ष की। तो नाश्ता बनाया नहीं, नाश्ते में मतलब दक्ष ने ओट्स खाए। उसने बोला, मैंने बोला क्या बनाना है, उसने बोला मुझे ओट्स खाना है। तो वो ओट्स खा रहा है और फ्रूट में लेके जा रहा है अपने, पाइनएप्पल लेके जा रहा है, जो कि जब छुट्टी हो जाएगी तो बस में आके वो खाएगा। और कुछ है नहीं ऐसा खास, ज़्यादा काम था नहीं आज। थोड़ा सा 15 मिनट में भी आराम से उठी आज, क्योंकि खाना नहीं बनाना था इसलिए, बट बाकी सारे काम तो थे ही। बादल किस तरीके से आवाज़ करें आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा छत में टहल के जो है लुफ्त उठाते हैं हम भी आज के मौसम का। उसके बाद मैं चले जाऊंगी नीचे और फिर दक्ष निकलेगा बस स्टॉप की तरफ। तो थोड़ी देर के बाद आपको दक्ष मिलेगा और उसके जाने के बाद मैं नहाने के, जब मैं नहा लूँगी रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है दक्ष कार्की। हाँ देखो दोनों भाग रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक मेरे चैनल। सुबह हो गई है, नहा धो के रेडी हो गया और बहुत ज़्यादा तेज़ बादल गरज मिल गए भर भर करके। मुझे ये आज तो पक्का बारिश होगी, लेकिन क्या पता जो बादल गरजते हैं वो हमेशा बरसते नहीं हैं। क्वार के बादल। तो अभी तो खैर, ओट्स खा लेते ना सारे, थोड़ा बहुत बचे थे। क्यों, उनको पूरा फिनिश करके आता ना, कौन खाएगा, उनको फेंकना पड़ेगा। अब पेट भर गया, अब खाने का मन कर रहा है। अब खाने का मन कर रहा है? आई पैर अचानक से, खाने का मन कर रहा है, पैर अचानक से दर्द होने लग गया, पोलियो हो गया मेरे को। हट, ऐसी बात नहीं बोलते। आई भी ये क्यों रहा है, अचानक से अभी चलते चलते होने लग गया पैर में दर्द। अरे हाँ, तेज होने लग गया। ऐसे ऐसे करना थोड़ा सा। ओह हाँ जी मित्रों, भगवान जी की पूजा भी मेरी जो है हो चुकी है और लाइट इतनी डिम आ रही कि क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं जल रहा है। बल्ब भी जो है कम ज़्यादा हो रहे हैं और बाहर हो रही है हल्की फुल्की बारिश, लेकिन गर्मी हो रही है क्योंकि अभी अच्छे से बारिश हुई नहीं है। तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ऐसे ही आप लोगों से यहाँ के उजाले में बातें करते हैं। तो ये हो रहा है सीन आज का। अब मैं अपना मिनी ब्लॉग जो है अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक मिनी ब्लॉग अपना अपलोड किया नहीं है। तो लाइट पता नहीं कब आएगी, बहुत डिम आ रही है, पंखा भी नहीं चल रहा है, देखिए इतना धीरे चल रहा है। और गर्मी बहुत हो ही रही है बारिश की वजह से बाहर, तो देखो कब तक आती है, लेट्स सी, इंतजार करते हैं। बाकी मैं तो फ्री हुई, अभी मुझे हल्की सी भूख लग गई है, तो मैं अपने लिए मखाने फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा घी और नमक डाल के। और इधर हमारी दाल भी जो है बॉईल हो चुकी है, 1-1.5 घंटे में दक्ष आएगा। पहले मैंने यहाँ पर देखिए बीट रूट और गाजर का जूस निकाल के पिया था, जो आप लोगों ने मिनी व्लॉग में देखा होगा करीबन 1.5 घंटा पहले। अभी मुझे खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर इनको खाते हैं। चाय मैंने सुबह पी ली थी, एक चाय नहीं पीनी मुझे, बस इनको खाना है। थोड़ा सा इनको रोस्ट कर लेती हूँ, घी कम डाल के, ताकि रोस्ट मतलब जले जले से, जले जले नहीं, भुने हुए ज़्यादा रहे, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो इनको रोस्ट करती हूँ पहले। मखाने फ्राई हो चुके हैं हमारे, तो जेठालाल सीरियल देखते देखते हम लोग खाएंगे मखाने बढ़िया से, तो क्रिस्पी क्रिस्पी मुझे अच्छे लगते हैं, बट कम खाती हूँ मैं। आज मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, बहुत अच्छे हो रहे, बहुत क्रिस्पी, कम घी डाला है, बहुत ही कम। मैं तो सोई थी और मुनु स्कूल से भी आ गया। मुनु बेटा पाइनएप्पल खा लिया था, पेपर अच्छा गया ना, उठो फिर। पाइनएप्पल दिया था मैंने इसमें, क्या हुआ, पैर का दर्द ठीक हो गया था? जब मैं स्कूल पढ़ा उसके बाद भी पैर नहीं, एग्जाम देते देते सीख गया अपने आप। उठो फिर, उठो चलो, दाल चावल बनाया अभी। आज तो अच्छे से इंट्रो भी नहीं हुआ पैर के दर्द की वजह से। हाँ कोई बात नहीं, मैं तो सोई थी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। उठो चलो।
खाना पीना खा लिया है और मैंने, आप लोगों ने देखा मिनी व्लॉग में कि मैंने खाना नहीं खाया, पपीता खाया और अभी धूप आ चुकी है इतनी तेज और सुबह ऐसा हो रहा था, बारिश इतनी तेज भी नहीं आई जिस हिसाब से मौसम हो रहा था। मैंने अपने यहाँ पर के सारे गमले उठा के वहाँ रख दिए थे कि बारिश में सारे गमले जो है नहा लेंगे करके, बट धूप आ गई है, अब इन गमलों को उठा के इधर को रखती हूँ। दक्ष अभी नहा रहा है और उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए बैठेगा, कल तो छुट्टी है, परसों इंग्लिश का है उसका पेपर। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, मैंने पपीता खाया, खाली उसने वो खाया, थोड़ी देर बाद मैं चाय बनाऊंगी दक्ष और अपने दोनों के लिए आराम से बैठ के और वो चाय पियेंगे, तब तक मैं अपने गमले जो है ना इधर रख देती हूँ सारे के सारे। ये देखिए यहाँ पर खिड़की में गमले थे और इसमें गमले थे, सब यहाँ से मैंने इधर रख दिए इतने सारे गमले उठा के, अभी इनको सबको उधर रखती हूँ मैं। ये रख दिए अभी यहाँ पर, वो भी उधर रख दिए, अब अंदर कुछ फैलते हैं। आज तो बिना बाय बोले जा रहे हैं, बाय। मौसम कितना साफ हो गया, अभी कितनी तेज धूप आ गई, अभी तक बारिश का मौसम हो रहा था सुबह से। बाय मुना। तो जी मित्रों, अभी बज रहे हैं शाम के करीबन 6:30 और मैं आप लोगों को एक अच्छी सी न्यूज़ देना चाहती हूँ। एक सेकेंड, मैं ज़रा सा पीछे चले जाऊँ फ़ोन में। तो अच्छी अच्छी न्यूज़, वैसे तो आप लोगों को पता चली गई होगी कि अच्छी न्यूज़ ये है कि जो हमारा पप्पू कार की यूट्यूब चैनल है उसमें हमारे 5,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 5,00,000 फैमिलीज जो हैं हमारे साथ जुड़ चुकी है और बहुत 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 बड़ी बात है। तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ एक बार। देखिए ये है, इसमें लिखा आ रहा है 5,00,000 सब्सक्राइबर, ये रहा हमारा चैनल, 5,00,000 सब्सक्राइबर इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं सबका सच में दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। दक्ष ने मुझे बताया कि मम्मी हमारे 5,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो बाहर खेलने के लिए चले गया, मैं अभी नहाती हूँ एक बार, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भगवान जी की पूजा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। फिर केक लेके आएंगे शायद, एक केक कट करेंगे ऐसा सोचा तो है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, आएगा तो अच्छी बात है, लाना मैं चाहती हूँ। तो दक्ष गया है खेलने के लिए, कल उसकी छुट्टी भी है, या तो आज कट करेंगे या कल कट करेंगे, जैसा भी होगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी हमको इसमें सपोर्ट किया, जितने भी 5,00,000 सब्सक्राइबर है और बड़ी फैमिली हो जाए मैं चाहती हूँ, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के कल्चर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड इसमें सारे काम होते हैं। और बहुत खुशी हो रही मुझे कि अगर मेरे हस्बैंड होते तो बहुत खुश होते, उनका ही सपना था ये सारी चीज़ें, उन्होंने ही स्टार्ट करी थी, जिसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत जल्दी एक सुंदर गाना हमारे चैनल में आने वाला है, एक वीडियो सॉन्ग आने वाला है, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद, अभी मैं अपने आगे के काम करती हूँ, फिर मुनु आएगा उससे भी आप लोगों को मिलवाती हूँ और देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, बहुत टाइम बाद वाले रूम में पढ़ाई कर रहा हूँ, ग्रामर कर रहा हूँ, और बाकी तो मम्मी ने आपको बता दिया कि 5,00,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए। तो आप भी सभी लोगों का मेरा दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से वहाँ पर है, दिल से धन्यवाद, एक और बार दिल से धन्यवाद, जितना चाहे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आप दक्ष कार की वाले में कराने आपको इतने सब्सक्राइबर, चलो फिर 1,00,000 करा दो, इस साल 1,00,000 करा दो, इस साल हो जाएंगे ना, हो जाने चाहिए। तो बाकी तो खैर अभी मम्मी किचन में खाना बना रही है, तब तक मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। हाँ जी मित्रों, खाना हम लोगों ने खा लिया है, अभी बहुत ज़्यादा पेट भर गया है और बाहर नहीं जा पाए हम लोग ऐसी, क्योंकि दक्ष बहुत ज़्यादा लेट आया था, तो मैंने कहा अभी रात भी हो गई है, जो चीज़ मैं चाह रही हूँ वो चीज़ मुझे मिलेगी भी नहीं अभी, तो जो है कल ही चले जाएंगे, कल ही कर लेंगे हम लोग केक कटिंग। बाकी मैंने आप सब लोगों को थैंक यू बोल दिया, दक्ष ने भी बोल दिया थैंक यू, खाना हो गया है, दक्ष की पढ़ाई भी हो गई है, अब हम लोग भी सो जाते हैं, कल तो छुट्टी है वैसे, आराम से उठेंगे, बट नींद आ रही है, थकान हो रही है बॉडी में, आज तो जल्दी। तो फिलहाल इस वीडियो को भी एंड करते हैं, अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलेंगे नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कल के व्लॉग का भी वेट कीजिए आप लोग, बाय एंड गुड नाइट।